उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है कि उनको उपहार में मिलने वाले तोहफों को नीलाम कराएंगे और उससे मिलने वाली रकम को जनहित के कार्यों में लगाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय सचिव विनय शंकर पांडे को निर्देश दिया गया है कि उपहारों की कीमत का मूल्यांकन कर नीलामी की जाए, इससे मिलने वाली धनराशि का जनहित के कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। नीलामी प्रक्रिया में सामान्य व्यक्ति भी भाग ले सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री उत्तराखंड या उत्तराखंड से बाहर कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं तो लोग तमाम उपहार उन्हें भेंट करते हैं। शॉल से लेकर पेंटिंग, विभिन्न प्रकार की आकृतियां उन्हें भेंट की जाती है। इसके अलावा कई राज्यों के पारंपरिक और इतिहास से जुड़ी कलाकृतियां भी मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप मिलती है। इन सभी चीज़ों को अब नीलामी के लिए रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीद सके। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अपने सचिव विनय शंकर पांडे को निर्देशित किया है कि उन्हें जो भी उपहार कार्यक्रमों में मिलते हैं उनके मूल्य की गणना कर इनकी नीलामी की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक हाल ही में लोगों से अपील की थी कि किसी समारोह में अतिथियों को बुके की जगह बुक देने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। इससे भावी पीढ़ी में ज्ञान का भंडार बढ़ेगा और दिमाग का भी पोषण होगा। पौधा भेंट करना भी बुके का विकल्प हो सकता है। अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक और नवीन और अभिनव पहल की शुरुआत की है।